नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और वीडियो में जिसमें हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जो आपके दिमाग को अपने इशारों पर नचाएगी। मूवी में आपको हर तरह का तड़का मिलेगा जो कि कंप्लीट एंटरटेनमेंट मूवी में होना चाहिए। मूवी वॉचेबल है, फिर भी मैं कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा जिसके बेस पर आप डिसाइड कर पाओ कि ये मूवी आपने देखनी है या नहीं। पहले इस मूवी का बिना स्पॉइलर रिव्यू करूंगा, फिर एंड में इस मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा। तो जानते हैं हमारी मूवी के बारे में। एक मूवी में 6 स्टोरियां देखने को मिलती हैं। पहली स्टोरी है एक शेफ की जो नौकरी की तलाश करते करते एक ऐसे रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां पर उसकी मुलाकात बोलने वाली मछली और बोलने वाले पौधे से होती है। दूसरी कहानी है एक योगी नाम के जादूगर की जो कि अपने आप को दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट जादूगर मानता है और अपने जादू से एक छोटी बच्ची को परेशान करता है। बच्ची कहती है कि तुम ग्रेटेस्ट जादूगर नहीं हो क्योंकि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। ग्रेटेस्ट जादूगर वो है जिसने मुझे ये गिफ्ट दिया है। इस वक्त वो टॉयलेट में है। योगी उस टॉयलेट में जाता है तो योगी का एक ऐसे जादूगर से सामना होता है जो कि ना ही दिखाई देता है ना ही सुनाई देता है और अपने जादू से योगी के होश उड़ा देता है। तीसरी कहानी एक साइंटिस्ट की है जो कि टाइम मशीन बना रहा है और पास्ट में जाकर अपने माता पिता को मरने से बचाना चाहता है, लेकिन उसकी मुलाकात होती है फ्यूचर से आए साइंटिस्ट से जो कि वो खुद है। चौथी कहानी है राधा नाम की लड़की की जो कि अपने पेरेंट्स को उस इंसान से मिलाने लाती है जिससे वो शादी करने वाली है। पर कहानी में तब ट्विस्ट आता है, क्रिस नाम का लड़का नहीं बल्कि लड़की निकलती है। पांचवी कहानी है एक लड़की की जो कि रेस्टोरेंट में वेटर का काम करती है और वहां पर आने वाले सभी कस्टमरों की जरूरतों को पूरा करती है, पर उसके पीछे एक राज छिपा हुआ है। वो अपने पार्टनर के साथ वहां से लाखों रुपए उड़ाना चाहती है, लेकिन उसके साथ एक और दिक्कत है। जब वो ड्रग्स लेती है तो उसको अजीबोगरीब भूत दिखने लग जाते हैं। छठी कहानी है एक नॉर्मल सी दिखने वाली लड़की की जो कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट में आती है और उसके टेबल पर एक तरफ गीता पड़ी है और दूसरी तरफ बंदूक पड़ी है और बंदूक से वो सुसाइड करना चाहती है। उसे पूछूं कि इन 6 कहानियों में आपको जरा सा भी कनेक्शन नजर आता है और ये सभी कहानियां आपस में जुड़ी हुई हैं और आपका जवाब होगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। और आप कहोगे ये सभी कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं, जहां पर हम सब मात खा जाते हैं और मूवी की असली कहानी को समझने में चूक जाते हैं और इस कारण ये मूवी मास्टरपीस बन जाती है। हम सब डायरेक्टर के इशारों पर नाचते रहते हैं और मकड़ी के जाले में जैसे कीड़ा फंस जाता है वैसे हम इस मूवी में फंस जाते हैं, असली कहानी को नजरअंदाज कर देते हैं। एक तरफ हमें साइंटिस्ट का इनोवेशन देखने को मिलता है और दूसरी तरफ हमें भगवान और भूतों के ऊपर अटूट विश्वास देखने को मिलता है। कभी आपसे ये मूवी सवाल पूछेगी और कभी आपकी लाइफ में आपको झांकने को कहेगी। इस मूवी का पूरा सस्पेंस मूवी के एंडिंग में छिपा हुआ है। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ महापुरुष और बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इस मूवी की एंडिंग को समझने में चूक जाएंगे। जिसने ये मूवी अभी तक नहीं देखी प्लीज अभी जाकर इस मूवी को देख लीजिए, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। अब मैं इस मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जिसने इस मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन नहीं देखनी है तो इस वीडियो को यहाँ पर छोड़कर जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में। लास्ट में 6ठी कहानी सुनाई थी एक लड़की की जो कि सुसाइड करना चाहती है और ये पूरी मूवी उस पर बेस है। जो मैंने 5 कहानियां सुनाई थी ये भी उसकी ही है। जी हाँ, मैं अभी आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे उसकी ये 5ों कहानियां हैं।
योगी जादूगर 8 साल की बच्ची को परेशान करता है वो उस सुसाइड करने वाली लड़की का बचपन है। लड़की सुसाइड करने वाली थी, उसकी टेबल पर गीता पड़ी थी, यानी कि वो कृष्ण की भक्त है। बच्ची जिस काउंटर टेबल पर बैठी थी उस पर कृष्ण जी की मूर्ति पड़ी थी, यानी कि बच्ची भी कृष्ण की भक्त है। सुसाइड करने वाली लड़की जब छोटी थी तो कुछ लोगों ने उसे मारने की कोशिश की थी। हमें आगे देखने को मिलता है कि रेस्टोरेंट में एक लड़का चोरी करने आता है पर वो पकड़ा जाता है, उसके पास बंदूक होती है और वो 8 साल की बच्ची के सिर पर रख देता है। वैसा ही उस लड़की के साथ होता है जो कि वहां पर सुसाइड करने आती है। योगी जादूगर भी सुसाइड करने वाली लड़की है। मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे। सुसाइड करने वाली लड़की कहती है कि बचपन में मेरी माँ कहा करती थी कि हमारे अंदर बुरा इंसान और अच्छा इंसान दोनों होते हैं, तो योगी जादूगर उसकी बुरी पर्सनैलिटी है, ना दिखने वाला जादूगर उसकी अच्छी पर्सनैलिटी है। राधा और सुसाइड करने वाली लड़की भी सेम है। राधा जब छोटी थी तो फैमिली डॉक्टर उसको चेक करने के बहाने से उसको गलत तरीके से टच करता है। इसी तरह उसका मामा और जहाँ पर वो शास्त्रीय संगीत सीखने जाती थी वो भी टीचर उसी तरह उसको परेशान किया करता था। सुसाइड करने वाली लड़की जब 18 साल की थी तो उसके साथ भी कुछ ऐसा होता है। राधा और सुसाइड करने वाली लड़की को मर्दों से नफरत है। राधा के साथ जो सब कुछ होता है इसकी वजह से वो डर कर रहती है और किसी से बात नहीं करती। वैसा ही हमें सुसाइड करने वाली लड़की में भी देखने को मिलता है। क्रिस भी सुसाइड करने वाली लड़की है। सुसाइड करने वाली लड़की भी क्रिस जैसा बनना चाहती है। क्रिस किसी से डरती नहीं है और अपनी बात सबके सामने रखती है। सैफ और वो लड़की भी सेम है। आपको बताता हूँ, हमें देखने को मिलता है कि सैफ को कोई नौकरी नहीं देता और वो नौकरी की तलाश करता रहता है। और सुसाइड करने वाली लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही है, उसको भी कोई नौकरी नहीं देता और वो नौकरी की तलाश करती रहती है। वेटर की नौकरी करने वाली और सुसाइड करने वाली लड़की भी एक ही है। सुसाइड करने वाली लड़की ड्रग्स लेती है और हमें देखने को मिलता है कि वेटर की जॉब करने वाली लड़की भी ड्रग्स लेती है। सुसाइड करने वाली लड़की को भी भूत दिखाई देते हैं और जो वेटर की जॉब कर रही है लड़की उसको भी भूत दिखाई देते हैं। इस कारण ये दोनों सेम ही है। रेस्टोरेंट में एक लड़का पैसों की चोरी करने आता है वो और सुसाइड करने वाली लड़की भी सेम है। लड़का पैसे चोरी करने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है। बिल्कुल वैसे ही पैसों की चोरी करने वो भी जाती है और पकड़ी जाती है। वो पांचों कहानियां उस लड़की की अब तक की पूरी जिंदगी को दिखाती हैं। इसमें देखने को मिलता है कि सभी कैरेक्टर एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं पर सुसाइड करने वाली लड़की नहीं। सुसाइड करने वाली लड़की एंड में सुसाइड कर लेती है और हमें पता चलता है कि वो सभी कैरेक्टर उसकी इमेजिनेशन थी और उसके साथ ही वो भी सभी मर जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में कुछ नया लेकर।